स्टार प्लस का मशहूर शो अनुपमा हर गुजरते एपिसोड के साथ काफी रोमांचक होता जा रहा है। लगातार टॉप टीआरपी में शुमार रहने वाले इस शो में कई दिलचस्प ट्विस्ट और टर्न्स आते रहे हैं। शो के निर्माता भी इस शो को दिलचस्प बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शो का हालिया ट्रैक अनुपमा के इर्द गिर्द घूम रहा है, जो पाखी और अधिक के आसपास की स्थितियों से निपटने की कोशिश कर रही है। जब अनुज ने पाखी से बात की और उसे अपने मन की बात बताने की कोशिश की तो वनराज उस पर भड़क गया। इसके बाद वनराज ने अनुज को अपने पारिवारिक मामलों से दूर रहने के लिए भी कहा। पिछले एपिसोड्स में अनुपमा और अनुज के बीच बहस हुई थी, क्योंकि अनुज ने उससे कहा था कि उसे सब कुछ मैनेज करने का तनाव नहीं लेना चाहिए। आने वाले एपिसोड्स में दोनों के बीच की टकरार बढ़ जाएगी। अनुज अनुपमा पर चिल्लाएगा कि वो उसके और उसके बच्चों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इससे अनुपमा परेशान हो जाएगी। पाखी इसे देखने के बाद तनाव में आ जाती है और अधिक के साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर चिंतित हो जाती है। उसे पता चलता है कि अधिक को उसके सोशल मीडिया पोस्ट पसंद नहीं आए और उसने डिंपल के पोस्ट को लाइक किए। काव्या पाखी को देखती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि देर होने से पहले उसे माफ़ी मांगने और चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। पाखी ने ऐसा ही करने का फैसला किया। बाद में अनुपमा अनुज को गले लगा लेती है और वे अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अनुज ने उसे गले लगाते हैं और उसे समझाते हैं कि लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि उसे अकेले ही सब कुछ से निपटने का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। शो के आने वाले एपिसोड में पाखी अधिक से माफ़ी मांगने के लिए कपाड़िया हवेली जाती है और अधिक को ताना मारती है। अनुज उन पर भड़कता है और उनसे अपने घर में लड़ाई नहीं करने के लिए कहता है। अब देखना होगा कि शो की कहानी किस और मोड़ लेगी। फिलहाल आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।